हेलो दोस्तों, वेलकम टू vegfoods.com। आइए बात करते हैं आंवला की। विटामिन सी से भरपूर, बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत हेल्दी। बनाते हैं इसकी चटनी। तो ये हमने लिए हैं 4-5 आंवला, इसे गूसबेरी भी बोलते हैं। आंवला को हमने मोटे मोटे पीसेस में काट लिया है और इसके बीज निकाल दिए हैं। ये मैं आपको एक आंवला भी काट के दिखा देती हूँ। चारों तरफ से हमें आंवला को काट लेना है और ये इसका जो बीज रह गया है इसे हम फेंक देंगे। इसी तरह से सब आंवला को काट के अलग रख दीजिए। बाकी जो हमें चाहिए काला नमक, काला नमक नहीं हो तो रेगुलर सॉल्ट यूज कीजिए, एक चुटकी हींग, थोड़ा सा कटा हुआ अदरक। मैंने 2 हरी मिर्च यूज करी है, आप चाहें तो ज्यादा यूज कर सकते हैं अगर तीखा ज्यादा पसंद हो तो। और हम लेंगे थोड़े से हरे धनिया के पत्ते। चलिए अब इस सबको ग्राइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम जार में आंवला डाल देंगे, कटा हुआ आंवला डाल दिया। अब इसमें हींग डाल देते हैं, धनिया के पत्ते, हरी मिर्च और अदरक डाल दीजिए। अब नमक डाल दीजिए, काला नमक डाल रही हूं मैं। और इसमें हम लगभग आधा कप पानी डालेंगे। अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए आंवले की चटनी रेडी है। आंवला बहुत हेल्दी होता है बट हम लोग इसको रेगुलरली डाइट में वैसे नहीं खा पाते, तो इसको चटनी बना के खाइए, अचार बना के खाइए, या जिस भी तरीके से आप खा सकते हैं आंवले का मुरब्बा खाइए। अगर आपको ये चटनी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।